ट्रांसफर ऑफ केसेस बाय सुप्रीम कोर्ट, ये एपिसोड आज हम लीगल सीरीज में देखेंगे। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इनके पास ज्यूरिडिक्शन है केस ट्रांसफर करने का। तो सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 के अनुसार ऑर्डर 39, ऑर्डर 40 और ऑर्डर 41, इसके अंतर्गत केसेस ट्रांसफर होते हैं। और आर्टिकल 139A सबसेक्शन 1 एंड 139A सबसेक्शन 2 के अनुसार भी एक केसेस ट्रांसफर होते हैं। और सिविल के बारे में, सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 25 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार क्रिमिनल केसेस ट्रांसफर होते हैं, वो सेक्शन है 406 CRPC का। तो ये टेक्निकल नॉलेज हो गया। अभी थोड़ा सा एक कॉमन आदमी को समझने के हिसाब से बताता हूँ कि ये ट्रांसफ़र केस क्यों करने पड़ती है और इसको ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का कुछ केसेस के लिए रहता है। तो देखिए दोस्तों, अगर एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट में तालुका रहते हैं, एक तालुका का केस एक ही डिस्ट्रिक्ट में दूसरे तालुका को अगर ट्रांसफ़र करना है तो उसका ज्यूरिडिक्शन जिला न्यायालय है, तो जिला न्यायालय से ये ट्रांसफ़र होगा। लेकिन एक जिला, एक राज्य पकड़ो, सपोज कोई आप हरियाणा पकड़ो, हरियाणा के एक जिला से दूसरे जिले में ट्रांसफ़र करना है केस, तो इसका ज्यूरिडिक्शन हाई कोर्ट को है, क्योंकि हाई कोर्ट ये एक डिस्ट्रिक्ट का दूसरे डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अभी इसके आगे जाते हैं कि एक राज्य है और दूसरा राज्य है, सपोज महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र से गुजरात में केस ट्रांसफ़र करना है, तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा कोर्ट हाई कोर्ट है और गुजरात में सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, लेकिन गुजरात के हाई कोर्ट को महाराष्ट्र में ज्यूरिडिक्शन नहीं है, महाराष्ट्र के हाई कोर्ट को गुजरात में ज्यूरिडिक्शन नहीं है, इसलिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जब केस ट्रांसफ़र होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट में ही आता है और सुप्रीम कोर्ट थ्रू ही होता है। फिर आप सिविल केस ट्रांसफ़र करो, क्रिमिनल केस ट्रांसफ़र करो, अपील ट्रांसफ़र करो, मैरिज पिटीशन ट्रांसफ़र करो, डिवोर्स पिटीशन ट्रांसफ़र करो, या डोमेस्टिक वायलेंस के वगैरह जो केसेस है, या मेंटेनेंस के 125 सेक्शन के केसेस वगैरह हैं, ये काफ़ी केसेस हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र के लिए आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिडिक्शन बोल के मेरा एक वीडियो अलग है, वो जरूर देखिए, उसमें पूरे सुप्रीम कोर्ट में पूरे क्या क्या चलता है वो उसके बारे में पूरी जानकारी दी है, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन वगैरह सब दिए हैं अलग अलग। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे खाली ट्रांसफ़र ऑफ केसेस बाय सुप्रीम कोर्ट के। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से केस ट्रांसफ़र करने के लिए आपको जो आपका केस ट्रांसफ़र करना है उसका पेटिशन है, आपका जहाँ पे ट्रांसफ़र करना है उसका प्रॉपरली एड्रेस, उसका प्रूफ चाहिए, और उसके साथ साथ क्यों ट्रांसफ़र करना है आपको, उसके रीज़न जो है, अगर वो रीज़न जस्टिफाइड लगते हैं जुडिशरी को तो फिर वो केस ट्रांसफ़र के लिए आ जाता है। तो थोड़ा सा ड्राफ्टिंग अच्छा अगर वकील करता है, अच्छा आर्गुमेंट वकील अगर प्रॉपरली करता है तो केस ट्रांसफ़र करने में मोस्टली कोई दिक्कत आती नहीं है। और खाली वो रीज़न जो है आपके प्रॉपरली ट्रांसफ़र के, वो थोड़े से जस्टिफाइड होने चाहिए कि भाई ये केस ट्रांसफ़र करने के बाद अगर सुविधा अच्छी हो जाती है, दोनों के लिटिगेशन में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है तो केस आराम से ट्रांसफ़र हो जाता है। मैं इतना ही बोलता हूँ कि कोई केस ट्रांसफ़र अगर सुप्रीम कोर्ट से हो जाता है तो बाद में जब वो केस आगे चल के अपील में, जब वापस सुप्रीम कोर्ट में कभी अपील में आएगा तब उसी लॉयर को देना चाहिए जिस लॉयर ने वो केस आपके ट्रांसफ़र करके दिया था, क्योंकि वो लॉयर को आपका पूरा केस का स्टडी मालूम रहता है, पूरा केस उसने पढ़ा रहता है, तो ये लॉयर है। और सुप्रीम कोर्ट में वैसे तो लॉयर सभी अच्छे ही है, खराब नहीं है, लेकिन यहाँ से टॉट से बचे, जो थोड़े से चीटिंग करने वाले लोग रहते हैं, जो हमारे कैंपस में कभी कभी लॉयर के भेस में भी आपको घूमते रहे दिखाई देंगे, इसलिए कभी भी सुप्रीम कोर्ट में कभी केस देना है ना तो लॉयर का प्रॉपरली कनेक्शन करके, रेफरेंस है या किसी अच्छे आपको कुछ, किसी के वीडियो अच्छे लगते हैं या किसी के नॉलेज अच्छा लगता है, किसी के भाषण अच्छे लगते हैं या कोई काम अच्छा करता है, ये जो भी है जानकारी लेके वो वकील के साथ बात करके फिर उसको कह जान। तो सुप्रीम कोर्ट में जब भी आएंगे तो किसी वकील को फिक्स करके ही मिलने के लिए आएंगे, और मिलने वहाँ पे आने के बाद दूसरे और किसी वकील को फिर मिलना नहीं, पूछना नहीं,
क्योंकि उसमें टॉट हो सकता है और वो आपको गलत रास्ते से लेके जाएगा, सस्ता करके देने की बात करेगा और बाद में पैसे अलग 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 तरीके हिसाब से निकालेगा और इसके कारण अननेसेसरी हमारे लॉयर लोग बदनाम हो जाते हैं। लेकिन ये लॉयर लोग नहीं करते हैं, ये टॉट्स करते हैं। इसलिए टॉट से बचने के लिए थोड़ा मैंने आपको बताया। काफ़ी लोगों को लगता है भाई सुप्रीम कोर्ट में जाके वहाँ पर लॉयर ढूंढेंगे, तो वो ठीक नहीं है। आप पहले ही थोड़ा कनेक्शन करके आते हैं आपके हाई कोर्ट के लॉयर के या आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लॉयर को, जिनके साथ कनेक्शन उनको पूछिए, या थोड़ा सा आप नेट सर्च करके भी प्रॉपरली आप ये कर सकते हैं। तो ऐसा ट्रांसफ़र ऑफ केसेस है। तो ट्रांसफ़र ऑफ केसेस में जब केस सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग होता है, फाइलिंग के बाद डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट क्लियर होने के बाद फिर डेट आता है और डेट पे फिर वो केस एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, इसके ऊपर आर्गुमेंट होता है। और वो एक्सेप्ट होने के बाद फिर नोटिस निकलता है, नोटिस निकल के बाद सामने वाला फिर अपेयर होता है और फिर दोनों के उसका आर्गुमेंट होने के बाद जुडिशरी डिसीजन लेती है कि भाई एक केस को ट्रांसफ़र करना है या नहीं करना है। अगर रीज़न अच्छे हैं तो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। आगे हम किसी और एपिसोड में सुप्रीम कोर्ट में या अलग अलग लॉ के बारे में, आईबीसी के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, लेबर लॉ के बारे में, कॉरपोरेट लॉ के बारे में, अलग अलग लॉ के बारे में और कुछ कुछ करंट इश्यूज़ जो रहते हैं, जैसे अभी चल रहा है कि भाई ईडी ने यहाँ पे छापा डाला, ईडी ने ये किया, ईडी ने वो किया, ये ईडी क्या है, ईडी का वर्क कैसा चलता है, ये इसके बारे में भी हम किसी अलग एपिसोड में ज़रूर देखते रहेंगे। तो आप हमारा चैनल जो है, वो चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको हमारे लीगल एग्जिम उसके साथ साथ आपको करियर के बहुत अच्छे वीडियो देखने के लिए मिले दोस्तों, जो आपको अच्छे लगते हैं और जो दूसरे के लिए अच्छे लगते हैं तो उनको भी ये फॉरवर्ड कर दीजिए। एक दूसरे को अगर नॉलेज शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा हमको उसका रिजल्ट मिलता है दोस्तों। आपके लिए, आपके बहुत बहुत सक्सेस के लिए मेरी शुभकामनाएँ। जय हिंद, वंदे मातरम।